Assalamualaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about second year chemistry, आज हमने क्या करना है? We got to have a look at the last chapter of your book, which is about analytical chemistry. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll have a look at the introduction, जिसमें analytical chemistry को समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या? ठीक है? तो over here, let us give the heading of introduction first. और इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद लेट अस राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? इट बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट? वी स्टडी अबाउट द इन विच वी स्टडी about the separation identification and quantification of components present in a sample of matter. सैंपल ऑफ मैटर में जो कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं उसकी क्वांटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए जो टेक्निक्स हम एम्प्लॉय करेंगे, उस टेक्निक को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंडर आप डिस्कस करोगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं. ठीक है? अब इसमें हम करते क्या है? वी बेसिकली एम्प्लॉय इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे आप क्या करोगे, कंपोनेंट्स को, जो मैटर का सैंपल आपको दिया जाता है उसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनको हमने एक दूसरे से अलग करना है, सेपरेशन करनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, और इसकी क्वांटिफिकेशन करनी है. क्वांटिफिकेशन का मतलब ये पता लगाना है कि उनकी मिकदार है कितनी. ठीक है? तो मिकदार को मालूम करना, उसको सेपरेट करना और उसको आइडेंटिफाई करना, ये तीन चीजें एनालिटिकल केमिस्ट्री में होती हैं. ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं किसमें, नॉट ओनली इन द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री बट ऑल्सो इन अदर फील्ड्स लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. इन सब में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. ठीक है? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्लासिफाई करना है केमिकल एनालिसिस को. तो लेट अस गिव द नेक्स्ट हेडिंग ओवर हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल एनालिसिस. केमिकल एनालिसिस की क्लासिफिकेशन हमने करनी है. केमिकल एनालिसिस की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि केमिकल एनालिसिस है क्या. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. केमिकल एनालिसिस बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन का मतलब अंदाजा लगाना. एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब हमने मालूम करना है, अंदाजा लगाना या मालूम करना ऑफ द कंपोनेंट्स. ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स हिस्से को कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ मैटर. एस्टिमेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल ऑफ matter is known as chemical analysis. इसको केमिकल एनालिसिस कहते हैं. ठीक है? एस्टिमेट करना या उसको डिटरमाइन करना, जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं गिवन सैंपल ऑफ मैटर में, इसको केमिकल एनालिसिस कहते हैं. केमिकल एनालिसिस इज जनरली कैरिड आउट इन टू डिफरेंट वेज. ठीक है? इट इज classified in two ways. In two ways.
सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर वन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ द गोल ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का मकसद क्या है, एनालिसिस के मकसद के बेसिस के ऊपर आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो तरीका है दैट इज इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के नेचर के बेसिस के ऊपर भी इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल हैव अ लुक एट इन टर्म्स ऑफ गोल ऑफ एनालिसिस। गोल ऑफ एनालिसिस की बुनियाद पर जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो इट इज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। गोल ऑफ एनालिसिस में विल स्टडी अबाउट टू डिफरेंट एनालिसिस। एक को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, वी कॉल इट एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है और दूसरे को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल टाइप ऑफ, यानी इसको सिंपल टर्म्स में अगर आपने पुट करना है, यू कैन से कि क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली टॉक्स अबाउट, अगर आप एक केमिकल कंपाउंड की बात करते हो, सैंपल ऑफ मैटर में आपने कंपाउंड को लिया है, तो कंपाउंड के अंदर जो टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं, type of atoms present in a sample, that's what we call qualitative analysis. Or quantitative analysis mein hum kya karenge, we'll talk about the number of atoms, quantity ke bare mein baat hoti hai quantitative analysis mein. Aur qualitative analysis mein aap ye pata lagane ki koshish karte ho ki kis kism ke atoms sample mein maujood hote hain. To iski bhi description kar lete hain, let us give the heading first qualitative over here. Qualitative एनालिसिस की हेडिंग यहाँ पर हम दे देते हैं, और इसमें लाइक आई टोल्ड यू इट इज व्हाट, इट इज द एनालिसिस व्हिच फोकसेस ऑन द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल गिवन सैंपल की कॉम्पोजिशन के ऊपर कि उसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं, टाइप ऑफ एटम्स जो मौजूद हो सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या क्या चीज़ें पता लग सकती हैं, यू कैन फाइंड आउट, मिसाल के तौर पर अगर आपको एक केमिकल कंपाउंड दिया जाता है तो केमिकल कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम या एटम्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आइंस जो इसमें मौजूद है उसकी उसको मालूम कर सकते हो, या तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन केस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में फंक्शनल ग्रुप्स हो, आइंस हो या एटम्स, इनके टाइप्स जो केमिकल कंपाउंड के अंदर आपको मिलेंगे उसकी एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस में होगी, ठीक है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज गिवन टू यू, उस बेसिस के ऊपर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो दो हिस्सों में, कौन कौन से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द सैंपल। इसमें हमने फोकस किसके ऊपर करना है, एटम्स और फंक्शनल ग्रुप्स जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं उसकी एनालिसिस हम करेंगे। अब इसमें आपको एग्जांपल्स क्या मिलेंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनालिसिस मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला तरीका जो यहाँ पर आप एम्प्लॉय कर सकते हो दैट इज कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस के जरिए आप क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो, लेकिन याद रखें कंबस्शन एनालिसिस इज जनरली अप्लाइड ऑन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की आइडेंटिफिकेशन करनी है,
ठीक है, फ्लेमेबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके ऊपर आप कंबशन एनालिसिस की एप्लीकेशन करोगे, और इसको अप्लाई करने का मकसद टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो तरीका एम्प्लॉय किया जाता है, दैट इज कंबशन एनालिसिस। और उसके अलावा नंबर टू इज डिटेक्शन ऑफ व्हाट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, डिटेक्शन ऑफ elements in an organic compound। ये भी तरीका हमने क्या किया है, we have studied this in introduction to organic chemistry। उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपने elements की detection करनी है, elements में हम कौन कौन से detection को पढ़ चुके हैं, इसमें आपने nitrogen को detect करना है, sulfur को detect करना है और halogens। ये तीन ऐसे elements की detection हम already पढ़ चुके हैं chapter number 3 में, जो इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपने लेसेंज सॉल्यूशन को बनाया था और लेसेंज सॉल्यूशन की प्रिपरेशन से यू फाउंड आउट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिटेक्शन, एलिमेंट डिटेक्शन, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट यू कैन अप्लाई। और इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, आइडेंटिफिकेशन of functional groups present in an organic compound। ये भी तरीका है, लेकिन इसको आप डिस्कस करोगे अंडर द हेडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, आगे जाके हमने इसको डिस्कस करना है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए आप क्या कर सकते हो, फंक्शनल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशन आराम से कर सकते हो। और सबसे आखिर में वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, हवा में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की प्रेजेंस, इसकी भी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस करते हैं। तो ये चार बेसिक टेक्निक्स हैं जिसको एम्प्लॉय करके आप क्या करोगे, मुख्तलिफ सैंपल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आना है किसकी तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस में हमने क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंटल कंपोजिशन को। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एलिमेंटल कंपोजिशन मालूम करना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, उसकी एनालिसिस जो है वो इस तरीके से करती है। और इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कैटाइंस एंड anions present in the sample, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है और उनकी सेपरेशन भी करनी है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस में कोट कर सकते हो, दैट बेसिकली इज सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस है जिसमें आपको एक सैंपल सॉल्ट का दे दिया जाता है, उस सॉल्ट की आपने एनालिसिस करनी है और यह पता लगाने की कोशिश करना है तो इस सॉल्ट के अंदर कौन सा पॉजिटिव आयन है, कौन सा नेगेटिव आयन है। उसके लिए एक सीरीज ऑफ टेस्ट्स हैं, टेस्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए यू हैव बीन गिवन वेरियस ग्रुप्स, हर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को एक ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप की अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट रखा गया है। तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इजीली इनको डिटेक्ट कर सकते हो। इसमें एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको आपकी बुक में हाईलाइट किया है, दैट बेसिकली इज फ्लेम टेस्ट। याद रखें, फ्लेम टेस्ट बेसिकली ड्राई टेस्ट होता है और ये एम्प्लॉय किसके लिए होता है, दिस इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कैटाइन, कैटाइन प्रेजेंट इन अ सॉल्ट।
सॉल्ट के अंदर जो कैटाइन मौजूद है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्लेम टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, इट्स रियली वेरी सिंपल। सबसे पहले जब आपको सॉल्ट दिया जाए तो उसको आपने क्या करना है, एक ग्लास रॉड ले लेना है। ग्लास रॉड लेके या तो आप इसको डिप करो पानी के अंदर, पानी के अंदर डिप नहीं करना तो यू कैन ऑल्सो यूज डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइदर यूज डायल्यूट HCl या पानी, उसके अंदर आपने ग्लास रॉड को डिप किया। डिप करने के बाद यू टेक इट आउट, शेक ऑफ एक्सेस वाटर और उसको अप्लाई करो सॉल्ट के ऊपर। जो सैंपल आपको दिया गया है उसके ऊपर जब आप लगाओगे तो ग्लास रॉड के ऊपर जो सॉल्ट है वो लग जाता है। उसको उठा के फिर आपने क्या करना है, आपने इसको जलाना है किसके ऊपर, यू नीड टू बर्न इट इन द बंसन बर्नर। जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे यू विल नोटिस अ स्पेसिफिक कलर बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो कलर प्रोड्यूस होगा फ्लेम पर उसी को इस्तेमाल करते हुए आप कैटाइन को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कुछ पॉजिटिव कैटाइन्स की रिजल्ट्स मेरे जहन में है तो लेट मी शेयर दैट विद यू। अगर एनी पॉजिटिव मौजूद है सैंपल के अंदर तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ गोल्डन येलो फ्लेम। गोल्डन येलो कलर अगर प्रोड्यूस होता है तो पॉजिटिव आयन सोडियम होगा। पोटेशियम अगर मौजूद होता है के पॉजिटिव, तो के पॉजिटिव इज गोइंग टू प्रोड्यूस पर्पल या वायलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से अगर हम बेरियम की बात करें, Ba+2 इज गोइंग टू प्रोड्यूस ग्रासी ग्रीन कलर, ठीक है। कैल्शियम अगर है Ca+2 इज गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस रेड कलर, लाइट रेड, कोई ज्यादा तेज नहीं होता, ठीक है, हल्का रेड कलर प्रोड्यूस होता है। और स्ट्रॉन्शियम Sr+2 इज गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लड रेड, खून की तरह लाल कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जस्ट टू क्लियर अप द पॉइंट के फ्लेम टेस्ट से आप कैटाइन्स की आइडेंटिफिकेशन करोगे कैसे। तो ये आइडेंटिफाई लाइक दिस, और जो कलर प्रोड्यूस होता है उसके जरिए आप पॉजिटिव आइंस की क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वॉज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबर टू इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज द नेम इंडिकेट्स, यहां पर आपने फोकस किसके ऊपर करना है, यू नीड टू फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉम्पोनेंट्स। क्वांटिटी यहां पर हम लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसकी क्वांटिटी को जिस तरीके से एनालाइज किया जाता है, इसको पता लगाया जाता है, दैट्स व्हाट वी कॉल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हमने इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीकों को करना है जिसमें दो इंपॉर्टेंट तरीके आपकी बुक में गिवन है। क्वांटिटी को मालूम करने का एक तरीका ये है, नंबर वन यू कैन एम्प्लॉय ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से आप क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो क्वांटिटी को। और दूसरा जो तरीका आपकी बुक में गिवन है दैट इज टाइट्री मेट्रिक एनालिसिस, टाइट्री मेट्रिक एनालिसिस। ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके जरिए आप किसी भी कॉम्पोनेंट की क्वांटिटी को प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल एनालाइज कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करेंगे, द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिटरमाइंड इज कन्वर्टेड इनटू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली प्रोसेसेस दैट आर एम्प्लॉयड। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो होती है, जो कॉम्पोनेंट जिसको आपने एनालाइज करना है क्वांटिटी को, इस कॉम्पोनेंट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी को मालूम करते हैं। और जहां तक टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है, इसको हम और क्या कहेंगे, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज वॉट, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एम्प्लॉय किसको करना है, वी गॉट टू एम्प्लॉय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में जो प्रोसेस एम्प्लॉय होता है
उसको टाइट्रेशन कहते हैं. टाइट्रेशन के प्रोसेस में आपने क्या करना है, यू गॉट टेक अ लॉन्ग ट्यूब विच इज कॉल्ड एज अ ब्यूरेट, ब्यूरेट लेना है. ब्यूरेट लेके आपने उसमें क्या करना है, यू गॉट फिल अ कॉम्पोनेंट इन इट. जिस कॉम्पोनेंट को फिल करोगे डिपेंड करता है कि टाइट्रेशन किस टाइप का है. नॉर्मली जो हम टाइट्रेशन के तरीके एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज आइदर गोइंग टू बी एसिड बेस टाइट्रेशंस, या तो एसिड बेस टाइट्रेशंस होते हैं, या दूसरा जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज रेडॉक्स टाइट्रेशंस. एसिड बेस टाइट्रेशंस होते हैं या रेडॉक्स टाइट्रेशंस होते हैं, ये दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं. तो इन केस ऑफ अ एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें आपने क्या करना है, जो ब्यूरेट होगा, जो लॉन्ग ट्यूब होगा, उसमें आपने एसिड को फिल करना है. और रेडॉक्स टाइट्रेशंस में जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ब्यूरेट के अंदर फिल किया जाता है. दूसरा जो कंपोनेंट होगा, दैट इज अ कॉनिकल फ्लास्क. कॉनिकल फ्लास्क में हम फिल करते हैं बेस को इन केस ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन, और रेडॉक्स टाइट्रेशंस में वी फिल इट विद अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट से हम इसको फिल कर लेना है. देन व्हाट डू वी डू, रिएक्शन करवाने से पहले, खास तौर पर एसिड बेस टाइट्रेशंस में हम क्या करेंगे, रिएक्शन के एंड को इंडिकेट करने के लिए वी विल बी एम्प्लॉइंग अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज एन इंडिकेटर. इंडिकेटर को एम्प्लॉय करते हैं. ऐसे कॉमन इंडिकेटर जो है वो फिनोफ्थलीन है. फिनोफ्थलीन को जब हम बेस में मिलाते हैं तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ कलर, स्पेसिफिक कलर. ऐसे फिनोफ्थलीन को बेस में मिलाने से वो पिंक कलर का हो जाएगा. एक या दो ड्रॉप्स आपने मिला लिए, उसके बाद स्टेप वाइज आपने क्या करना है, एसिड को मिलाना होगा बेस के साथ. यू कीप मिक्सिंग इट टुगेदर और इसका एंड पॉइंट आपको पता चल जाएगा. जैसे फिनोफ्थलीन जैसे ही जिस ड्रॉप के साथ पिंक से कन्वर्ट करेगा इनटू कलरलेस अपने आप को, तो वो एंड पॉइंट होगा, वहां पर आपने रिएक्शन को रोक देना है. ठीक है, रोकने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसी प्रोसेस को करना होगा. जनरली जो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस है उसमें जो हम रीडिंग्स लेते हैं वो तीन रीडिंग्स लेते हैं. ठीक है, तीन कंसेक्टिव रीडिंग्स, फिर उसका एवरेज निकाला जाता है. एवरेज निकालने के बाद जो फॉर्मूला आप एम्प्लॉय करोगे, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, दैट वुड बी एम वन वी वन ओवर एन वन इज इक्वल टू एम टू वी टू ओवर एन टू. दिस इज द फॉर्मूला दैट इज एम्प्लॉयड फॉर वॉट, एम्प्लॉयड फॉर फाइंडिंग आउट द कंसनट्रेशन. आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसमें कंसनट्रेशन को, मोलैरिटी को मालूम करने की कोशिश करते हैं ऑफ द अननोन कॉम्पोनेंट. और आमतौर पर एसिड की कंसनट्रेशन को मालूम करने के लिए ये चीज एम्प्लॉय होती है. एम वन को मालूम किया जाता है बाय रीअरेंजिंग दिस होल इक्वेशन. सो दिस इज वॉट टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस इज ऑल अबाउट. और इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से इसकी डिटेक्शन करनी है. ठीक है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस यूज्ड. क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस यूज्ड, मेथड ऑफ एनालिसिस यूज्ड. इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्लासिकल मेथड भी है और इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी है. तो क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस यूज्ड में यू कैन डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज क्लासिकल मेथड और दूसरा जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इंस्ट्रूमेंटल मेथड. एक क्लासिकल तरीका है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल तरीका है. क्लासिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, क्लासिकल मेथड्स में कंबस्शन एनालिसिस को एम्प्लॉय किया जाता है. तो यू कैन से कि दिस इज अ मेथड, इसका इसकी जो एग्जांपल आपके बुक में गिवन है दैट इज कंबस्शन एनालिसिस, जिसमें जो आपको सैंपल दिया जाता है, दिस सैंपल इज पास्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन. और कंबस्शन के प्रोसेस में से जब आप सैंपल को गुजारते हो उससे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कौन से मिलेंगे, दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O. तो इनकी क्वांटिटीज को एस्टिमेट करके हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट दी क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दी गिवन सैंपल, इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं. तो लाइक आई सेड, सैंपल को आपने गुजारना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन. कंबस्शन के प्रोसेस में से गुजार के आपने प्रोड्यूस क्या करना है, यू गॉट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ये जो दो चीजें प्रोड्यूस होंगी इनकी क्वांटिटीज की मदद से हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू लाइक
फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द सैंपल. कलेक्शन कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है इट इज अब्सॉर्ब्ड इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जबकि पानी के जो वेपर्स प्रोड्यूस होंगे उसको कलेक्ट किया जाता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट. ठीक है, सेलेक्ट इनको कलेक्ट करने के बाद देन इन दोनों को सेपरेट किया जाता है. सेपरेट करके इनकी क्वांटिटीज को मालूम किया जाता है और मालूम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए ये तीन फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं. सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ सैंपल. परसेंटेज कार्बन को अगर आपने मालूम करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कितना प्रेजेंट इन द कंपोनेंट. जो कंबशन एनालिसिस है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, मास उसको लेना है और इसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है विच इज 12 डिवाइडेड बाई 44. 12 इंडिकेट्स द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 44 इंडिकेट्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसको फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड यू गॉट टू डिवाइड दैट बाय द मास ऑफ कंपाउंड दैट इज गिवन टू यू. जो कंपाउंड आपको दिया जाता है उसका मास आपने लेना है डिनोमिनेटर में. तो ये तरीका है कार्बन की परसेंटेज मालूम करने का. लाइक वाइज इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसके लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यू गॉट टेक मास ऑफ H2O. हाइड्रोजन का मास 2 है तो यहाँ पर लिया, पानी का मास 18 है और इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया बाय 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड. इससे आपने डिवाइड कर दिया तो इससे आप क्या करोगे, परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन की डिटरमिनेशन करोगे. राइट, ऑक्सीजन की डिटरमिनेशन भी हो सकती है लेकिन उसके लिए तरीका यह होगा जो क्वांटिटीज आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन की मिली हैं इसको आपने सम अप करना है और सम अप करके क्या करना होगा, आपने 100 से माइनस करना होगा. तो तीसरा भी फॉर्मूला याद रखें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सैंपल इज एस्टिमेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग 100 फ्रॉम द परसेंटेजेस ऑफ व्हाट. इसको इंक्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट में, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस को आपने सम अप करना है. सम अप करके जब आप 100 से इसको माइनस करते हो तो जो आपको आंसर मिलता है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज को इंडिकेट करेगा. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एग्जांपल 24.1 है ऑन पेज 361 ऑफ योर बुक्स. कंबस्शन ऑफ 1.125 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस 3.477 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.647 ग्राम्स ऑफ वाटर. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो यहां पर तीन चीजें आपको दी गई हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विच विल बी 1.125 ग्राम्स. इसके अलावा यू गॉट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू 3.447 ग्राम्स और तीसरी चीज है मास ऑफ वाटर H2O विच इज 1.647 ग्राम्स. अब आपने मालूम क्या करना है, यू सिंपली हैव टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट बिकॉज ऑक्सीजन का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है तो हम उस तरफ क्या नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टुवर्ड्स दैट. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन को मालूम करने के लिए यहां पर फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, इसी को एम्प्लॉय करना है. परसेंटेज कार्बन विल बी इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3.447 है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 12 डिवाइडेड बाय 44, 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 1.125 से. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको का आंसर क्या मिलेगा, 83.6%. इसी तरीके से अगर आपने परसेंटेज हाइड्रोजन की मालूम करनी है तो उसके लिए मास पानी का लेना है, पानी का मास 1.647 है मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मास 2 है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.125. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट 16.3%. तो दीज आर रिस्पेक्टिवली द परसेंटेजेस ऑफ व्हाट, परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट
इंट्रोडक्शन इसका. होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल कैरी द डिस्कशन फॉरवर्ड एंड विल ट्राई टू एनालाइज मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस. जब तक अल्लाह हाफिज़.